हेलो, आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। दबा दिया। आगे बोलो। सो गाइस, क्या आप भी अपने फेवरेट यूट्यूबर्स की तरह 20 स्किल, 30 स्किल या फिर इवन 40 स्किल्स करना चाहते हो? अगर हाँ तो भाई इस वीडियो को एंड तक देखते रहना। साथ ही साथ अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो मैं आपको बता दूंगा आप अपनी 5+ केडी कैसे मेंटेन कर सकते हो, एंड अगर 5+ केडी नहीं है तो भाई आप उसे कैसे अचीव कर सकते हो। गाइस, आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना यार। वीडियो की लेंथ मैंने उतनी रखी है भाई जितनी आपको चाहिए, जितने सफिशियंट थी आपको सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेक श्योर यार वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप इसकी इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आई प्रॉमिस यू यार आपको काफी ज्यादा कुछ सीखने को मिलेगा, एंड आपको काफी इन गेम हेल्प करने वाला है। तो चलो गाइस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सब? स्वागत है सभी का बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी कि BGMI में काफी इजीली नूब लॉबी कैसे ले सकते हो। तो खैर, नूब लॉबी मतलब आप क्राउन या फिर एस टियर पे हो फिर भी आपको सिल्वर या फिर गोल्ड के बंदे देखने को मिलेंगे। तो भाई अगर आप भी बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी कि BGMI में काफी ढेर सारे किल्स करना चाहते हो जैसे कि 25+, 30+, तो भाई ये वीडियो आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको 8 सीक्रेट तरीके बताऊंगा जिसे कि आप काफी इजीली नूब या फिर बॉट लॉबी ला सकते हो। तो भाई आज के इस वीडियो को सही में यार बिल्कुल भी स्किप मत करना, काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। बट यार जैसा कि आप गेम प्ले में देख सकते हो भाई मैं बिल्कुल भी ये सब नहीं यूज करता क्योंकि मुझे अपने स्किल्स बढ़ाने होते हैं जो कि आपको फ्यूचर में काम आएंगे। तो भाई मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा प्लीज ये सब मत करना। बट स्टिल अगर आप ज्यादा किल्स करना चाहते हो, ज्यादा केडी बढ़ाना चाहते हो तो आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भाई देखते रहना यार, आपकी प्रॉब्लम मैं जरूर से सॉल्व कर दूंगा। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले टिप्स की। तो यार पहला टिप्स है डिसाइड योर मैचिंग टाइम। अब देखो यार मैं आपको रिकमेंड करूंगा अगर आप सही में बॉट या फिर नूब लॉबी चाहते हो तो यार आपको 1 AM से 5 AM खेलना चाहिए क्योंकि यार वो ये टाइम है जिसमें कि सारे बंदे इंडिया में सो रहे होते हैं। तो भाई ऑब्वियसली पबजी मोबाइल यानी कि बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया को अपना मैचिंग में पूरा प्लेयर्स 100 प्लेयर्स देने के लिए कुछ बॉट देते हैं यार, साथ ही साथ कुछ नूब बंदे भी दे देते हैं। तो भाई ये काफ़ी इफेक्टिव तरीका है। अगर आप रात में खेलते हो यानी कि 1 AM से 5 AM 6 AM खेलते हो तो भाई आपको 101% आपको नूब लॉबी देखने को मिलेगा। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा यार वैसे ही कुछ आरपी वाले बंदे आते हैं मैं रात को जब खेलता हूँ। बट यार उतने रात को अगर आप खेल नहीं पाओगे तो डोंट वरी भाई, आगे के वीडियो देखते रहो, आगे के टिप्स एंड ट्रिक्स में मैं आपको बताऊंगा आप कैसे काफ़ी इजीली बिना रात को खेले आप नूब लॉबी ले सकते हो। कैसे बात करते हैं हम अपने दूसरे टिप के, तो यार दूसरा टिप आपके मूड पे डिपेंड करता है भाई। अगर आप रियली मतलब फुल्ली डेडिकेटेड हो भाई ज़्यादा से ज़्यादा किल्स करने के, अगर आप नहीं चाहते हो कि भाई आपकी केडी किसी भी तरीके से कम हो तो भाई मैं आपको रिकमेंड करूँगा इवेंट मोड मत खेलना। जो भी नए नए इवेंट आते हैं इरेंगल में, किसी भी मैप में जो भी नए इवेंट आते हैं यार उसमें काफ़ी ढेर सारे प्रो प्लेयर्स बंदे होते हैं भाई क्योंकि उनको अपना कंटेंट निकालना होता है, वो रिकॉर्ड करते हैं, एंड यार काफ़ी प्रो बंदे आते हैं उसमें। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा भाई आप कभी भी इवेंट मोड मत खेलना अगर आप सही में या फिर बॉट लॉबी चाहते हो तो। तो गाइस अभी बात कर लेते हैं हम अपने तीसरे टिप्स की। तो तीसरा टिप है आपको हमेशा लिविक मैप खेलना चाहिए। अब देखो यार लिविक मैप आपको काफ़ी छोटा देखने को मिल जाता है। इरेंगल में आप एक मैच खेलो या फिर लिविक में दो मैच खेलो दोनों यार बराबर होते हैं। साथ ही साथ यार लिविक में आपको काफ़ी प्लस होता है इवन एज़ कम्पेयर टू इरेंगल हल्का कम होता है। मतलब कि अगर आप 30 मिनट खेलते हो तो 30 मिनट में दो लिविक के मैच खत्म हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू इरेंगल। तो आपको इसमें ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं, ऑब्वियसली ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे तो यार आप काफ़ी इजीली इवन रैंक अप कर पाओगे एंड आपकी केडी इसमें ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि भाई एज़ कम्पेयर टू इरेंगल आपको लिविक मैप में ज़्यादा बॉट देखने को मिलते हैं। मैं आपको बता दूं यार लिविक मैप में अगर आप पावर प्लांट साइड जाते हो मतलब पावर प्लांट पे नहीं उसके अगल बगल जाते हो तो उधर सबसे ज़्यादा बॉट होते हैं, तो आप उनको काफ़ी इजीली फिनिश कर सकते हो एंड यार काफ़ी इजीली अपनी केडी मेंटेन कर सकते हो। एंड भाई लिविक मैप में यार आपको नूब बंदे देखने को मिलते हैं क्योंकि जो भी नया डाउनलोड करता है गेम वो सबसे पहले चाहता है कि भाई छोटे से छोटे मैप में खेल लें, चेक कर लें कैसा है, तो इसलिए वो लिविक खेलता है भाई। तो मेक श्योर आप लिविक में खेला करो, इसमें आपको ज़्यादा बॉट भी देखने को मिलेंगे प्लस में नूब बंदे भी देखने को मिलेंगे, तो भाई मल्टीपल फायदे होने वाले हैं। गाइस बात करते हैं हम अपने चौथे टिप के, तो यार मैंने आपको बता दिया आपको कौन सा मैप खेलना चाहिए। बट भाई किसी भी मैच को स्टार्ट करने से पहले अगर आप एक बार खेलो, जैसे अपने आज मान लीजिए आपने मैच स्टार्ट किया खेलना, अभी आपका पहला मैच है, तो भाई आपको पहले 3 मैच को लगातार एग्जिट कर देना है यानी कि लॉबी में ही आपको एग्जिट कर देना है। आपने मैच ज्वाइन किया एग्जिट कर दिया, मैच ज्वाइन किया एग्जिट कर दिया, ऐसे आपको 3 बार करना है। 3 बार करने के बाद आपको चौथे मैच में जाना है। तो यार इससे 101% भाई ये काफ़ी
बढ़िया ट्रिक है। अगर आपको नूब लॉबी चाहिए तो भाई इसे 101% आपको चौथे मैच में नूब बंदे देखने को मिल जाते हैं एंड यार मैक्सिमम उसमें बॉट होते हैं चाहे किसी भी मैप में खेल लो। तो भाई ये ट्रिक काफ़ी इफेक्टिव है यार एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स है, काफ़ी ईजी भी है, तो इसको मेक श्योर यार ट्राई करना जब भी आप गेम खेलना स्टार्ट करते हो। जैसे आज स्टार्ट किया 8 बजे, तो भाई पहले के 3 मैच आप खेल लो, उसके बाद आप जिस मैप में मन करता है उसमें खेलो यार। तो ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव ट्रिक्स है। अगर बात करता हूँ अपने नेक्स्ट 5th टिप की, तो यार इसमें मैं आपको बताऊंगा आपको किसके साथ खेलना है। तो यार आपको नूब लॉबी लेने के लिए लो टायर वाले बंदे के साथ खेलना है। तो यार अगर आपका कोई टीममेट है जो कि लो टायर पे है, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया या फिर ब्रॉन्ज पे हो गया, तो आप उसे इन्वाइट कर लो अपने लॉबी में। इन्वाइट करने के बाद यार मेक श्योर उसे आप लीडर बनाते हो। अगर वो लीडर नहीं होगा तो भाई नूब लॉबी नहीं आएगा, तो मेक श्योर आप उसे लीडर बनाते हो एंड सिंपली मैच को स्टार्ट कर देना है। तो यार इससे 101% भाई आपका जो लॉबी आएगा वो काफ़ी नूब होगा एंड यार इवन बहुत सारे बॉट्स भी होने वाले हैं। बट मान लेते हैं आपके पास कोई नूब टीममेट नहीं है, तो यार इसके लिए आपको सिंपली यहाँ पे टीम में जाना है। टीम में जाने के बाद यहाँ पे आप काफ़ी ढेर सारे बंदों को देख सकते हो, तो भाई लो टेयर वाले बंदों का टीम ज्वाइन कर लो। आप यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी ढेर सारे टीम्स हैं, तो आप किसी भी लो टेयर वाले को ज्वाइन कर लो। मेक श्योर वही लीडर होना चाहिए, आप लीडर मत बनना एंड मैच को स्टार्ट करोगे तो 101% भाई इसमें आपको नूब लॉबी देखने को मिल जाएगा। इस बात करता हूँ अपने नेक्स्ट 6th टिप की, तो यार इसमें मैं आपको बताऊंगा आपको सेटिंग्स क्या रखने हैं। तो यार सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद अगर आपका ड्रॉप टैक्टिक्स ऑन है तो मेक श्योर आप इसे स्लो एंड स्टडी कर देते हो यार। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है भाई, अगर आपका ड्रॉप टैक्टिक्स ऑन है तो आप इसे स्लो एंड स्टडी कर लेना, बट अगर आप ऑफ रखते हो तो इसे ऑफ ही रहने देना, काफ़ी हेल्पफुल होता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप स्लो एंड स्टडी रखना, इससे काफ़ी नूब बंदे आते हैं, आपके टीममेट भी नूब आते हैं तो ऑब्वियसली ओपोनेंट्स भी नूब आएंगे, तो ये भी एक काफ़ी इफेक्टिव वे है। तो गाइस बात करते हैं हम अपने 7th टिप की, तो यार इसमें आपको अपने सारे टाइटल्स जो भी आपको मिले हैं, जैसे ओवर अचीवर, सेलिब्रेशन एक्सपर्ट या फिर जो भी आपको मिला है टाइटल, यार सिंपली आप उसे अनइक्विप कर लो। अनइक्विप करने के बाद आप बॉट के कपड़े पहन लो, यानी कि थोड़ा आपको हल्का सा नूब देखने को मिल रहा है। तो यार इसके हिसाब से देखो क्या होता है, जब भी आप मैचिंग स्टार्ट करते हो तो आपका प्रोफाइल भी मैच होता है, तो अगर आप सारे टाइटल्स डिसेबल करते हो, नूब कपड़े पहनते हो, तो भाई 101% आपको नूब लॉबी देखने को मिलेगा। तो भाई ये काफ़ी इफेक्टिव वे है, मेक श्योर आप इसे ज़रूर से ट्राई करना। मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना ये ट्रिक वर्क करती है नहीं आपके लिए, बट यार काफ़ी इफेक्टिव वे है भाई, 100% वर्क करेगा, तो मेक श्योर इसे ट्राई करना। कैसे अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हो तो यार जाहिर सी बात है आपको वीडियो अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ यार अगर हो सके तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना भाई, ये अपने को काफ़ी मोटिवेट करता है ऐसे ही BGMI से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो बनाने के लिए। तो भाई मेक श्योर यार आप वीडियो को लाइक करते, तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना, क्योंकि यार आपको सिंपली एक सब्सक्राइब बटन पर टैप करना है, बट यार इससे अपने को काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही कमाल के अमेजिंग वीडियोस बनाने के लिए। बस बात कर लेते हैं अपने 8th बोनस टिप की, तो यार इसमें मैं आपको रिकमेंड करूंगा भाई, जब भी पबजी मोबाइल या फिर बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का अपडेट आता है तो उस समय आप ऐप को अपडेट मत करो, आप उस समय खेलते रहो जब तक कि ऐप आपको फोर्स न करे। मतलब होता है ना यार, अगर आप अपडेट नहीं करोगे तो आप नहीं खेल पाओगे, तो उस समय ही आप अपडेट करना। अगर अपडेट आता है, जैसे आज ही अपडेट आया, तो आज मत करो यार, आप सिंपली 5 से 6 दिनों बाद करना, क्योंकि देखो काफ़ी प्रो बंदे क्या होते हैं अपडेट कर लेते हैं, काफ़ी बंदे अपडेट कर लेते हैं तो बंदों की कमी हो जाती है, तो अगेन मैच मेकिंग सिस्टम जो है वो बॉट लॉबी में डाल देता है, तो इससे आपको काफ़ी ईजिली नूब लॉबी देखने को मिल जाएगा भाई, काफ़ी इफेक्टिव ट्रिक है, आप इसको ज़रूर से ट्राई करना भाई। 5-6 दिन बाद अपडेट करोगे कुछ नहीं हो जाएगा, बट आपकी KD मेंटेन हो जाएगी, आप ज़्यादा से ज़्यादा किल्स कर पाओगे, तो भाई मेक श्योर इसे भी ट्राई करना। तो बस भाई लोग आज के वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में मैंने आपको 8 सुपर टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं जिससे कि आप काफ़ी इजीली बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया यानी कि BGMI में नूब लॉबी ले सकते हो। तो भाई आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना एंड यार मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं। सो गाइस अगर आपको ऐसे ही ढेर सारे बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो चाहिए, तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना, आपको नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसके आपको सिंपली टैप करना है। बट यार अगर आप उसे टैप करते हो तो इससे अपने को काफ़ी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही कमाल के वीडियोज़ बनाने के लिए, तो मेक श्योर यार सब्सक्राइब करके ही जाना अगर हो सके तो। बाकी यार वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपसे एक और ब्रांड न्यू वीडियो में, तब तक के लिए प्लीज़ स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाकी यार आप देख सकते हो भाई अपन उन लोग 15K के काफी करीब है, तो हो सके तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना। बाकी यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।